सुने होंगे तो आप ही बता सकते हैं, हम तो ऐसा नहीं सुने हैं। तो आप मिले थे उनसे अमित शाह से? विभागीय बैठे सारे पर काम कर रहे हैं क्या आप? बीजेपी के सारे पर काम कर रहे हैं, ऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, भारत के बिस्कोमान के भी मिनिस्टर वही हैं, सरकारी कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम में वो आए हुए थे, मैं उसके बोर्ड में भी डायरेक्टर हूँ। 1 तारीख को पूरे देश का कोऑपरेटिव कांग्रेस हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए, और उस फोटो को मैंने अपने पेज पर लगाया है। कोई ये नहीं है कि किसी के कोठरी में मिल रहे हैं, किसी के रूम में मिल रहे हैं। और उसी फोटो को लेकर जो मीडिया वाले लोगों ने बात का बतंगर बनाया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और ध्यान से समझिए, मेरे इंटीग्रिटी पर इस देश का कोई भी व्यक्ति शंका नहीं कर सकता है। 27 साल से मैंने कितने झंझावात देखा, कितने तूफान देखा, और चट्टान की तरह लालू जी के साथ हैं, कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक जिंदा हैं तब तक हैं। और बाकी बात जो समझना है, जो आदमी के बारे में आपको बताया, जरा आप उन्हीं से बयान ले लीजिए। ने कहा है कि बीजेपी के इशारे पर हैं, लेकिन आप आए नहीं। आपको कई बार उन्होंने कहा कि फोन दिखा, लेकिन आप मिले नहीं। देखिए, हमें माननीय मुख्यमंत्री का फोन आया है, तो कौन ऐसा बिहार का व्यक्ति होगा जो दौड़ कर नहीं जाएगा? ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर संवाद आ जाए कि भाई आपको माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है, सभी के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, हम लोग के अभिभावक स्वरूप है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जाएगा? लेकिन अगर किसी ने कहा कि 20 बार आपको संपर्क किया गया, आप आए नहीं। बड़े आदमी हैं, अभिभावक हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उनके बात का कैसे प्रतिकार कर सकते हैं? हम लोग तो गैर जुवार व्यक्ति हैं नहीं, तो इसलिए उनके बात का हम कोई भी प्रतिकार नहीं करते हैं। और जो भी अगर बोले होंगे भी, तो समझिए कि मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा। क्या वाकई बीजेपी के संपर्क में कई लोग हैं क्या? वो उनको उनकी बातों से ऐसा लगा? भाई जिनके जिनके बारे में बोला उनसे ना पूछिएगा, हमारे बारे में पूछे तो हम तो आपको बताए ना। जब तक हम जिंदा रहेंगे, अरे उस शंका क्या, हमको अपने पार्टी से मतलब है यार। तो क्या ये जो सब कुछ हो रहा है भाजपा के कारण? जब हम, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि आज 27 वर्ष हो गया लालू जी के साथ, ठीक है, अब 3 साल और होगा तो 3 दशक हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक हम जिंदा हैं तब तक उन्हीं के साथ है, माननीय लालू प्रसाद जी के साथ, उनके परिवार के साथ, और कोई पार्टी लेवल पर हम जुड़े हुए नहीं है। भावनात्मक रूप से मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। क्या लगता है आपके बयानों को लेकर नाराजगी है? आपने कहा देश का सबसे अविश्वसनीय चेहरा कौन है यूपीएससी में, इस तरह के सवाल? देखिए, वो सब बीते दिनों का बात हो गया, क्यों विवाद बढ़ाना चाह रहे हैं, अनावश्यक वो सब बात है। नीतीश कुमार जी नाराज हैं आपके बयानों से? उसको हटा दिया, समझे ना, जो कन्फ्यूजन हुआ, किसी ने पूरे जंगल राज को याद दिलाने लगा, कोई डॉक्टर के किडनैपिंग को याद दिलाने लगा। और देखिए, हम फिर आपको बताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मना किया है कि कोई भी तरह का आपको बयान नहीं देना है, ना हाँ बोलना है, ना बोलना है। बना के रखना है, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी है, बयानबाजी से बचना है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देना है, यही सब। बड़े सीएम गार्जियन है, सीएम हमको भी बोले हैं, सबको बोले हैं, तो बोले हैं कि भाई आप बयानबाजी से सबको बचना चाहिए, यही निर्देश दिए हैं कि बयानबाजी नहीं करिए सब लोग। तेजस्वी जी भी यही बोले, बयानबाजी से बचना चाहिए। मतलब गार्जियन की भूमिका में गार्जियन की भूमिका में दोनों नेता गार्जियन की भूमिका में थे। बात यह है कि जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है बिहार में, आरजेडी और जेडीयू के बीच में ही आपस में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई। जेडीयू आरजेडी के बीच में मिला की बात हो रही है, क्या इस तरह की बातें हैं क्या? इसका जवाब हम कैसे देंगे? इसका जवाब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे, लालू प्रसाद यादव देंगे, चाहे नीतीश कुमार देंगे, तेजस्वी जी देंगे। अब विलय होगा कि नहीं होगा, इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? अगर ऊपर कैसे, हम लोगों को तो जानकारी भी नहीं है विलय की, ऐसी कोई जानकारी नहीं। सब तो र्यूमर उड़ाया जा रहा है, ये सब र्यूमर उड़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जानती है कि बिहार में उसका बेस खत्म हो गया है। तो ये सब र्यूमर, रोज नया र्यूमर उड़ा के इससे झंझट उससे झंझट। अब आप लोग भी 24 घंटा वाला चैनल है, हमारे सब बयान लेते हैं, फिर सुनील जी से बोलते हैं, अशोक जी ये बोला, फिर बोलते हैं सुनील जी ये बोला अशोक जी। आप इसीलिए, सुनील जी अच्छे मित्र हैं, हर कोई कभी कभी आवेश में आकर के किसी के ऊपर, अभी पत्नी के ऊपर नहीं बोल देते हैं, सुबह शाम दिन भर काबिल बनती हो, बहुत ये हो, तो आवेश में बोल देते हैं ना भाई। तो कोई ऐसा थोड़ी है कि पत्नी से प्रेम कम है, तो कभी कभी आदमी आवेश में कुछ बोल देता है, लेकिन आपसी प्रेम, आपसी परिवार हम लोगों का पूरी तरह से इंटैक्ट है, महागठबंधन जिंदाबाद है। हम क्या कह रहे हैं, अब आप उसको घुमाने रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो रिलेशन एक पति और पत्नी का होता है, उसमें भी आवेश में कुछ बोला जाता है, तो ये तो एक राजनीतिक गठबंधन है, कभी कभी कुछ बोला जाता है इसलिए। लेकिन किससे? सुनील सिंह जी तो हमारे पार्टी का, हमारे साथ बढ़िया रिलेशन है, वो खुदे बोले हैं कि बड़े भाई हैं अशोक जी,
तो सुलह का क्या है, सुलह लड़ाई कहाँ था जो सुलह हो जाए।